हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजेश। आप देख रहे हैं एशियन टेक्नोलॉजी। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में आप सभी के लिए हर दिन 2-3 वीडियो अपलोड होता रहता है पाइथन का। और इस पर बहुत कुछ आप पढ़ सकते हैं, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट और ऐसे ऐसे बहुत कोर्स मैं लेके आप आने वाला हूँ और बहुत कोर्स अपलोड करने वाला हूँ। तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको देखते रहिए। तो चलिए, आज हम फिर से वही पाइथन का बात करने जा रहे हैं। आज फिर से हम पाइथन शुरू कर रहे हैं, पाइथन शुरू नहीं कर रहे हैं, फिर से पाइथन वही अब कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए, मैं अपना विजुअल स्टूडियो यहाँ पे स्टार्ट कर लिया। ये मेरा है, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं इसे। अब इसे मैं छोटा छोटा कर देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं, टर्मिनल के बारे में, उसके बाद फिर इसे प्रोग्राम भी करेंगे। तो चलिए, अपना फाइल भी ओपन कर देते, साथ साथ देखते रहेंगे। मेरा फाइल कहाँ पर है, यहाँ पर होना चाहिए, पाइथन प्रोग्राम्स, यहाँ पे मेरा फाइल से। तो चलिए, आज हम फिर एक दो कमांड पढ़ लेते हैं टर्मिनल का, उसके बाद में हम प्रोग्राम शुरू करेंगे अपना। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि आज हम सीखते हैं, लास्ट बार हमने सीखा था कि ये फाइल कैसे बनाएं, जैसे फाइल कैसे बनाना है। फाइल बनाने के लिए हम टच लिखेंगे, अपने फाइल का नाम लिखेंगे, है ना। जैसे कि मैंने अपने फाइल का नाम राज जात पी वाई लिखा, तो यानी कि हमारा एक बन गया, देखिए यहाँ पर। तो आज हम देख रहे जा रहे हैं कि इसको रिमूव कैसे कर सकते हैं। इस फाइल को बना तो बना दिए, अब इसको रिमूव तो यहाँ से कर सकते हैं डिलीट, लेकिन दूसरा आइडिया जो इस यहाँ से कैसे कर सकते हैं उसे रिमूव। तो रिमूव करने के लिए बहुत आसान है, आरएम मतलब रिमूव होता है, आरएम लिखिए, अपने फाइल का नाम लिखिए राज डॉट पी वाई, इंटर कर दीजिए, देखिए रिमूव हो गया, यहाँ से चला गया होगा। अगर फिर से आपको चाहिए तो फिर से वही टच करिए, राज डॉट पी वाई करिए, देखिए आएगा, आ गया, देखिए यहाँ पे आ गया। फिर से इसे रिमूव कर देते हैं गेम कल जैसे होता है, रिमूव कर देते हैं, देखिए चला गया। कोड को क्लियर करने के लिए आप क्या लिखना है, क्लियर लिखना है, बहुत आसान ही है ना। तो हमने क्या सीखा कि यहाँ पे हम कैसे बना सकते हैं फाइल को, कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो एक और सीखते हैं कि हम यहाँ पे फाइल ही नहीं, हम यहाँ पे डायरेक्टरी कैसे बना सकते हैं, अपना फोल्डर ही कैसे बना सकते हैं। तो बहुत आसान है आपको, चलो वही देखिए, एम के लिखते हैं, डायरेक्टरी लिखते हैं, एम के मतलब मेक डायरेक्टरी, अपने फाइल कौन सा नाम का आप डायरेक्टरी बनाना चाहते हैं। तो चलिए मैं पाइथन ही ले लेता हूँ भाई, पाइथन नाम का बनाना चाहता हूँ, इंटर कर दीजिए, देखिए यहाँ पे पाइथन नाम का क्या बन गया, एक फोल्डर बन गया। अब देखिए, समझ आ गया होगा आपको शायद। अब और कोई बनाना है तो एम के लिखिए, डायरेक्ट लिख दी डी आर, अब उसका नाम कोई भी राज लिख दीजिए, देखिए हमारे फोल्डर बन गया एक। तो अब यहाँ पे वही काम इसका भी है, आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं ऐसे डायरेक्टली आके, और दूसरा आइडिया यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं आप। तो डिलीट करने के लिए क्या करना होता है आपको, रिमूव है ना, याद है, रिमूव करिए, लेकिन इसे फाइल को नहीं करना है, यहाँ पे फोल्डर को रिमूव करना है। तो जब आपको फोल्डर को रिमूव करना हो तो हाइफन लगाइए और फिर से लिखिए आप रिमूव फोल्डर, समझ आया होगा। अगर आपको फाइल रिमूव करना है सर आर एम लिखिए, लेकिन आपको आपको फोल्डर रिमूव करना है तो आर एम लिख के हाइफन लगाइए और फिर से रिमूव करिए, किसको, फोल्डर को, आर एम रिमूव फोल्डर। आप फोल्डर का नाम लिखिए, क्या फोल्डर का नाम है, पाइथन है, उसका काम नहीं है, वैसे भी राज का भी कोई काम नहीं है, उसको भी कर देते हैं आर एम हाइफन आर एफ, क्या नाम है, राज, चला गया, क्योंकि उसका हमें काम भी नहीं था, बस आपको सिखाना का था कि ये इसके ज़रिए हम कैसे बना सकते हैं और कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो छोटा छोटा बात होता था, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तो इस अभी पढ़ने जा रहे हैं हम कि प्रिंट, या फिर वही पढ़ेंगे प्रिंट कैसे कर सकते हैं उसको, और थोड़ा कुछ कुछ कैसे हम यूज कर सकते हैं अपने फाइल में। तो ये बहुत ही यूजेबल होगा आपके फ्यूचर में प्रोग्रामिंग के लिए। तो चलिए, आज हम सिंपली करते हैं, क्या नाम, स्ट्रिंग करते हैं, अंडरस्कोर हेलो, या हेलो हेलो टू लिखते हैं, डॉट पी वाई, अरे मैं भी क्या कर रहा हूँ, टच तो लिखा ही नहीं, टच हेलो टू डॉट
xty। देखिए एक बार यहाँ पे, देखिए फाइल बन गया टू का, है ना। अब इसके अंदर हम कुछ कोड नहीं लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आके यहाँ से ओपन करके देखते हैं। हेलो टू आ गया। अब हम यहाँ पे फिर से वही लिखेंगे, आज फिर थोड़ा सा एडवांस पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे आज। प्रिंट हेलो वर्ल्ड, वी आर लर्निंग पाइथन। हम आराम से पढ़ेंगे, कोई अपने मतलब टेंशन वाली बात नहीं, हम आराम से पढ़ेंगे समझेंगे। लेकिन इसको तो आपको आता होगा, है ना। प्रिंट भी करते देखते हैं, प्रिंट करके तो मैं आपको बताऊंगा नहीं फिर से वही कि फिर पाइथन 3 कब लिखना है, पाइथन कब लिखना है, आप खुद लिख सकते हैं। हेलो टू डॉट पी वाई, देखिए ये आ गया है ना, प्रिंट हो गया। लेकिन अगर आपको कुछ इस तरीके से प्रिंट करवाना हो, चलिए मैं एक बार आपको इस जरूर बताऊँगा। यहाँ पे एक बार आप ये देखिए, जो हैश साइन होता है ना, इसका मतलब होता है कि इसमें कमेंट करना, तो कमेंट करते हैं। अब मैं आपको इस तरीके से कुछ इस तरीके से मैं आपको प्रिंट चाहता हूँ कि प्रिंट कुछ इस तरीके से हो, जैसे कि लिख दे हेलो, और लिखिए इस तरीके से राजेश हाउ आर यू, कुछ इस तरीके से ए वाला भी आ जाए। तो इसी को मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ फिर से दोबारा से। क्या मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर सकता हूँ, देखते हैं। हो सकता है ऐसा नहीं, कुछ मुझे इस तरीके से प्रिंट करवाना है। ये नहीं करते हैं अभी, क्यों नहीं करते हैं अभी मैं बताता हूँ आपको। मुझे ये वाला प्रिंट करवाना है, ये वाला कुछ इस तरीके से। तो आपको समझ आ गई होगी, देखिए यहाँ पे इसका कलर देखिए चेंज हो गया। लेकिन अगर आप ए ना लगा के आप इस तरीके से करते हैं, देखिए इसका कलर देखिए चेंज हो गया। तो क्यों हो रहा मैं आपको अभी बता रहा हूँ, वो क्या है इसका वजह। अब इसको सेम उसी को आप प्रिंट करवाइए एक बार दोबारा से, ये देखिए इधर आ गया। क्यों आ रहा कि क्योंकि आप इसको नहीं प्रिंट करवा सकते हैं। इसको अगर आपको इस तरीके से आपको प्रिंट करवाना है, तो देखिए यहाँ पे क्या करवाना है, आपको डबल कोड करवाना है ना। तो आपको डबल कोड करवाना है, तो आप यहाँ पे जो इससे पहले है ये डबल कोड नहीं रखेंगे, आप यहाँ पे सिंगल रखेंगे जो आगे जो है ना, जिसके अंदर आपको लिखना है। अब देखिए कलर देखिए इसका वाइट था पहले, अभी जैसे मैंने यहाँ पे डबल कोड छोड़ के सिंगल किया, जैसे देखिए चेंज हो गया। अब मैं उसको फिर दोबारा से करता हूँ रन, ये देखिए देखिए यहाँ पे हेलो अभी आ गया। लेकिन अगर आपने ऐसे ना करके अगर आपने इस तरीके से अगर किया, तो समझ लीजिए कि प्रोग्राम आपका नहीं हो सकता, प्रोग्राम रन नहीं हो सकता। समझ आया कुछ। लेकिन अगर आप कुछ इस तरीके से करते हैं तो फिर हो जाएगा काम, जिससे कि मैं फिर से वही काम करता हूँ। देखिए तो इसको मैं समझाता हूँ, अभी अभी फिलहाल के लिए मैंने ये मिस्टेक करके बता दिया आपको, अभी नहीं बताना चाहिए था आपको। तो देखिए मैं इसको फिर से रन करता हूँ, एरर कर रहा है क्योंकि आप जब यहाँ पे बाहर डबल कोड लगा रहे हैं तो आप अंदर डबल कोड नहीं लगा सकते। अगर आप बाहर डबल कोड लगाना है अंदर, तो आप बाहर सिंगल कोड लगा दीजिए। देखिए अब इसको रन करके देखिए यहाँ पे, ये देखिए आ गया। वैसे ही सेम अगर मुझे ये न करके मुझे यहाँ पे अगर सिंगल कोड चाहिए, तो मुझे इस तरीके से चाहिए, तो आपको यहाँ पे भी वही करना होगा। अब फिर देखिए प्रॉब्लम आ गया, क्योंकि ये दोनों कोड जो है ना सेम हो गया, तो आप यहाँ पे डबल कोड लगा दीजिए बाहर, तो भी प्रिंट करवा देगा। इसका कहने का मतलब अगर आप बाहर डबल कोड लगा रहे हैं, तो आप अंदर डबल कोड नहीं लगा सकते, आपको क्या लगाना होगा, सिंगल लगाना होगा। अगर आप अंदर आपको डबल चाहिए, तो आपको बाहर सिंगल लगाना है। अगर आपको अंदर डबल सिंगल चाहिए, तो आपको बाहर क्या लगाना है, डबल लगाना है। चल करके देख लेते हैं इसको, देखिए प्रिंट हो गया ये सिंगल कोड के साथ।
तो आपको बात समझ आ गई होगी कि किस तरीके से हम यहाँ पे डबल या सिंगल यूज कर सकते हैं। कब डबल यूज सिंगल यूज करेंगे यहाँ पे अंदर, अगर आपको अंदर सिंगल चाहिए तो आप बाहर डबल कोर लगाएंगे, अगर अंदर आपको डबल चाहिए तो बाहर आप क्या लगाएंगे, सिंगल कोर लगाएंगे। लेकिन दूसरा एक सोल्यूशन दिया है पाइथन ने कि आप ऐसा, आपको अगर टेंशन ही नहीं लेना है कि ये क्या है, कोई भी कोड हो, इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार, क्लियर करते हैं पाइथन हेलो 2.py। देखिए सेम कोड इधर बता रहा है ना यहाँ पे, लेकिन अगर आपको सेम बाहर है, अगर सेम अंदर, अगर ज़रूरी पड़ गया आपको चाहिए तो आप इससे पहले आप एस लगा दें। देखिए ये इसका मतलब है कि ये इसको एवॉइड कर देगा इसको, अब फिर इसके एक नहीं दो है ना, तो दोनों के पहले देखिए इसका मतलब कि ये क्या कर देगा, इसको इसको दूसरे तरीके से डिफाइन कर देगा कि ये इसे रीड करने में आसानी हो जाएगी। पाइथन अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो फिर पाइथन इसको नहीं पढ़ पा रहा है, रीड नहीं कर पा रहा है क्योंकि सेम कैरेक्टर पढ़ रहा है। तो अगर आप ए लगा दे रहे हैं इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये इसका चेंज कर दे रहा है, तो पाइथन को समझ आ गया कि ये इसके अंदर जो है ना ये इसको ये प्रिंट करवाना चाहता है कोड के साथ। इसका मतलब है अगर सिंपली लगाते हैं, देखिए फिर से दोबारा से, अगर आपको डबल कोड बाहर है आपको फिर अंदर भी डबल चाहिए तो सिंपली ए आपको लगा लेंगे दोनों, समझ आ गया ना। इससे दोनों से पहले आप ए स्लैश वाला जैसे होता ना इसको आप लगा देंगे तो आप प्रिंट करवा सकते हैं फिर दोबारा से वही। देखिए सेम, देखिए सेम इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पे वन है अगर आपको वन ही प्रिंट करवाना है तो कोई मसला नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए अगर आपने ए लगाया है तो इससे कोई मतलब नहीं कि आपको या बाहर एक हो या दो हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो प्रिंट करके दे देगा आपको, क्योंकि ये पाइथन का लैंग्वेज है, पाइथन एक बहुत सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो आपको बहुत ध्यान दे के कोड लिखना होगा। तो ये बहुत आसानी आसानी बात था जो आपको मुझे बताना था। तो आज हमने ये बताया सिर्फ बहुत सिंपली ये प्रिंट किस तरीके से इसे यूज कर सकते हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फिर दोबारा से कुछ और। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाइटून गुड बाय। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करिए और सब्सक्राइबर मेरा भी बढ़ाइए थोड़ा सा।